उन्नाव कर्मचारी नेताओं की बैठक हुई संपन्न। पीडी नगर में नगर पालिका कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारी नेता ओम निवास वाजपेयी और कर्मचारी नेता हरनाम सिंह ने कर्मचारियों की मांग उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी संघ लखनऊ के में ईगो गार्डन में धरना देने पर मजबूर होगा। इस बैठक में सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। उन्नाव से जगम नकवी की रिपोर्ट। घर परिवार के लोग जो कम शिक्षित होते थे, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते थे, तो एक ये माध्यम होता था कि वो भी चतुर्थी जैसे सरकारी नौकरी में उनको करने का अवसर प्राप्त हो। तो सरकार ने शुरुआत वहाँ से की थी। सबसे पहले चतुर्थी कर्मचारियों की भर्ती बनती है। आज 4 लाख से अधिक चतुर्थी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं पूरे प्रदेश में, पूरे संभल में। उसकी जगह व्यवस्था क्या लाई गई, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था लाई गई। और पहले संविदा शुरू की, संविदा में भी एक हद तक रात थी कि कम से कम विभाग और कर्मचारी के बीच में एक संबंध रहता था, सीधे वेतन जाना। अब वो भी सरकार ने समाप्त कर दिया, आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है। ठेकेदार को पैसा पेमेंट होता है, ठेकेदार अपनी मर्जी और मनमर्जी के मुताबिक कर्मचारियों को रखता और उसको भुगतान करता। तो संगठन धीरे धीरे कर्मचारियों के सबके छोटे होते चले जा, संख्या बल कम होता है। अगर आज के समय में हम लोग मिलकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उमा निवास वाजपेयी जी, इस यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, जो मीटिंग रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? उत्तर प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के चलते पुरानी पेंशन बहाली जैसी ज्वलंत समस्या को लेकर के एक बार फिर कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स अधिकार मंच ने एक बार सरकार से अपनी मांग बनवाने के लिए आज ये इस मंच के बैनर तले एक बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के, माध्यमिक शिक्षक संघ के, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के, विशिष्ट बीटीसी संघ के, बेसिक सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी ग्रुप ने यहाँ पर शिरकत की है और ये निर्णय लिया है कि अपनी मांग मनवाने के लिए 5 अक्टूबर को हम जनपद मुख्यालय पर मोटरसाइकिल जुलूस निकालेंगे, 28 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय के समीप हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर बात नहीं बनती है तो 30 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में विशाल महारैली का आगाज करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए गुजारिश करेंगे। क्या अभी आपने ज्ञापन अपन किसी उच्च अधिकारियों को दिया? अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को नोटिस भेज दी है, जिला प्रशासन को अपने कार्यक्रम की नोटिस भेजवा दी है और 5 अक्टूबर को मोटरसाइकिल जुलूस निकालने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे सारे अपने शिक्षक संगठनों के साथियों के साथ। आप लोगों की कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। कोरोना जैसे काल में जिस तरीके से कर्मचारी शिक्षक समुदाय ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके सरकार के साथ कदम से कदम मिला के काम किया, अपनों को खोया, अपनों को खोया, अपने प्रिय लोगों को खोया, उसके बाद सरकार हम लोगों के महंगाई भत्ते की किस्त दिए फ्रीज किए थी, करंट से दिया, पीछे का हमारा एरियर भत्ते का भुगतान नहीं किया गया और तमाम 10 ऐसे भत्ते थे जिनको काट लिया, उन्हीं भत्तों को पुनर्चालू कराने के लिए हम लोग पुरानी पेंशन बहाली को प्रमुखता से लेते हुए अन्य अपने भत्तों को पूर्ण कराने के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं। उमा निवास वाजपेयी जी, इस यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, जो मीटिंग रखी गई है,